नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। रूस बॉर्डर पर रोमानियाई लड़ाकों का हमला हुआ। बेलगोरोद से रूस में घुसपैठ की कोशिश की गई। रोमानिया के गेटेगा गुट ने यह हमला किया है। रूसी वॉलंटियर कोर के साथ साझा ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान यह बड़ा हमला बोला गया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने लेकिन इस बीच एक ऐसा कदम उठाने का फैसला ले लिया है जिससे पूरे यूरोप का मानचित्र बदल सकता है। रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि यूक्रेन युद्ध में फ्रांस अपनी सेना उतारने वाला है। खबर यह भी है कि यूरोपियन यूनियन भी यूक्रेन में फौज उतारने पर विचार कर रही है। फ्रांस के इस ऐलान के बाद रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एटमी चेतावनी जारी कर दी है। यह तय है कि अगर यूक्रेन युद्ध में नेटो सेना उतरी तो विश्व युद्ध का बिगुल बज जाएगा। पुतिन ने इसकी तैयारी भी कर ली है और पुतिन के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। यूक्रेन की जमीन से तीसरे विश्व युद्ध की बिसात बीत चुकी है। क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने सेना को यूक्रेन पहुंचने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब तक फ्रांस की आर्टिलरी और मिसाइलें ही यूक्रेन की धरती से रूसी सेना पर हमले कर रही थी, लेकिन अब फ्रांस के सैनिक मोर्चे पर पहुंचने वाले हैं। रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी का दावा है कि फ्रांस गुप्त तरीके से अपनी सेना को यूक्रेन में उतारने का मन बना चुका है। रूसी खुफिया एजेंसी को यह जानकारी मिली है कि फ्रांस ने यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने का फैसला ले लिया है। रूसी खुफिया एजेंसी के प्रमुख सर्गेई नैरिशकिन ने खुद यह रिपोर्ट क्रेमलिन में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में पेश की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्रांस 2000 सैनिकों की टुकड़ी तैयार कर चुका है। इसे गुप्त तरीके से यूक्रेन के मोर्चे पर भेजा जाएगा। ये सैनिकों की पहली टुकड़ी है। इसके बाद फ्रांस दूसरी टुकड़ी भी यूक्रेन भेज सकता है। मार्च महीने में ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दो बार कह चुके हैं कि यूक्रेन में सेना भेजने का विकल्प खुला है और रूस को रोकना बहुत जरूरी है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने डिप्लोमेटिक बयान से ये भी संकेत दिए हैं कि युद्ध उनकी जमीन से दूर नहीं और फ्रांस की आत्मरक्षा के लिए सभी विकल्प खुले हैं। फ्रांसीसी सेना पर खुफिया रिपोर्ट के साथ साथ खबर यह भी है कि यूरोपियन यूनियन भी यूक्रेन में सेना भेजने पर विचार कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के एक अधिकारी ने दावा किया है कि ईयू समिट में मैक्रों के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, लेकिन समिट के एजेंडे में इसे नहीं रखा गया है।
फ्रांस के सेना प्रमुख ने कहा है कि सेना किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय मिशन के लिए तैयार है। फ्रांस की सेना यूक्रेन युद्ध में उतरने वाली है और उसके कई बड़े हथियार पहले से ही मोर्चे पर तैनात हैं। फ्रांस के कई अहम वेपन सिस्टम यूक्रेन में पहले से मौजूद हैं। इनमें पहले से एंटी टैंक सिस्टम यूक्रेन में फ्रांस से आए 84 रॉकेट लॉन्चर हैं। मिलान सिस्टम और मिलान मिसाइलें ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर तैनात हैं। आर्टिलरी हथियारों में फ्रांस की TRF-1 हॉविट्ज़र, सीजर गन और यूनिटरी रॉकेट लॉन्चर भी यूक्रेन को बहुत पहले ही दिए जा चुके हैं। ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी में आने वाले कई अहम हथियार भी फ्रांस ने यूक्रेन को दिए हैं। इनमें क्रोटेल एनजी, क्रोटेल मिसाइल, CM-200 रडार, इसके अलावा CM-200 रडार के अलावा मिस्ट्राल मिसाइल, सैम्प-टी एयर डिफेंस सिस्टम और एस्टर मिसाइलें शामिल हैं। फ्रांस ने कहा है कि वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े युद्ध अभियान की तैयारी कर रहा है। फ्रांस के सेना प्रमुख के मुताबिक 30 दिन के अंदर फ्रांस 20,000 सैनिकों की तैनाती मनचाही जगह कर सकता है। इन 30 दिनों में नेटो सहयोगियों के साथ मिलकर 60,000 सैनिकों की फौज तैयार हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मैक्रो अचानक युद्ध के पक्षधर कैसे बन गए। मैक्रो अब तक रूस यूक्रेन के बीच शांति के समर्थक रहे हैं, लेकिन उनके रुख में आया बदलाव इस बात का संकेत है कि बाइडेन रूस पर दबाव बढ़ाने का रणनीतिक दांव चल चुके हैं। इसीलिए फ्रांस की सेना को उतारने का ऐलान बार बार किया जा रहा है। रूस के खिलाफ मैक्रो यूरोप में रक्षक की छवि बनाना चाहते हैं। विरोध प्रदर्शन और दंगों के बाद फ्रांस में मैक्रो की लोकप्रियता घटी है। मैक्रो रूस विरोधी कड़ा रुख अपनाकर अपनी छवि मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन मैक्रो की महत्वाकांक्षाओं को समझकर राष्ट्रपति पुतिन जीत के तुरंत बाद ही ये संकेत दे चुके हैं कि अगर रूस पर हमला हुआ या यूक्रेन में नेटो सेना पहुंची तो विश्व युद्ध तय है। यूरोप के देश अब पुतिन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और कई देश एक साथ मिलकर रूस पर हमला कर सकते हैं। फ्रांस अपनी सेना भेजने की तैयारी कर चुका है। जर्मनी भी फ्रांस के समर्थन में है। लिथुआनिया, लातविया, जॉर्जिया रूस पर हमला करने का समर्थन कर रहे हैं। पोलैंड और स्वीडन भी गुप्त रूप से फ्रांस के साथ है। ब्रिटेन भी रूस को बड़ा खतरा मानता है, लेकिन इटली ने फ्रांस के इस फैसले का विरोध किया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि फ्रांस के इस कदम से युद्ध यूरोप में फैल जाएगा और हमें किसी भी तरह इससे बचना चाहिए। रूस पर हमला हुआ तो रूस एक साथ कई देशों पर हमले कर सकता है। रूस की थल सेना लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर हमले शुरू कर देगी। बाल्टिक सागर में तैनात वॉरशिप और सबमरीन से पोलैंड, स्वीडन और फिनलैंड पर एक साथ हमले शुरू हो जाएंगे। नॉर्थ सी से जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन पर मिसाइलों की बरसात शुरू हो जाएगी। फ्रांस की सेना यूक्रेन में पहुंचते ही पुतिन की व्यूह रचना पूरे यूरोप पर हमले शुरू कर सकती है। अमेरिका भी ये बखूबी जानता है और इसीलिए अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। अमेरिकी एयरफोर्स ने AGM-183A हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। मिसाइल B-52 बॉम्बर से लॉन्च की गई। इस मिसाइल का टेस्ट अमेरिका के गुआम बेस से किया गया।
हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में अमेरिका रूस से पीछे है, लेकिन इस टेस्ट के बाद ये माना जा रहा है कि अमेरिका में हाइपरसोनिक हथियारों का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। संकेत साफ है कि यूरोप के देश रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और अमेरिका रूस पर एटमी हमले की तैयारी में है। नेटो सेनाओं के यूक्रेन पहुंचते ही विश्व युद्ध की रणभेरी बच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।